टाइम यानी समय इंसान के लिए सबसे मूल्यवान और सबसे दुर्लभ है। वैसे तो हर किसी के लिए एक दिन में 24 घंटे का ही समय होता है, लेकिन उन 24 घंटों में कौन कितना काम करेगा, कैसा परिणाम लाएगा, वो व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है, साथ ही निर्भर करता है उसके टाइम मैनेजमेंट पर। स्टूडेंट्स के लिए आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी देश भर के छात्रों से सालाना जुड़ते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। उन्हीं चर्चाओं से हम ले आए हैं कुछ स्पेशल टिप्स हमारे एग्जाम वॉरियर्स के लिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो एक ही समय में दूसरे की तुलना में अधिक कार्य पूरा कर लेते हैं। इसके पीछे कोई रहस्य नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं, ये वे सही टाइम मैनेजमेंट द्वारा ही कर पाते हैं। 100 लोगों को पूछो, 80 लोग ऐसे मिलेंगे जो नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे मिलते कि नहीं मिलते? आप भी अपने दोस्तों को कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या किसी को कोई एक्स्ट्रा दिया हुआ है क्या? आपको भी 24 घंटे मिले, उसको भी 24 घंटे मिले। उसका कारण यह है कि उसको अपनी प्रायोरिटीज का पता नहीं है। टाइम का मिसमैनेजमेंट की शुरुआत आपकी प्रायोरिटी का आपका अज्ञान है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग किन किन चीजों में है और वो कौन सी चीजें हैं जो मैं समय को बर्बाद करता हूं। मैं बिजी होता हूं, लगातार काम करता हूं, लेकिन जो करना चाहिए वो करता नहीं और नहीं करना चाहिए वो पहले करता हूं, और उसी के कारण मेरा समय के साथ हमेशा तनाव रहता है। जब बहुत सारे कार्यों का दबाव एक साथ आकर इकट्ठा हो जाता है तो फिर उससे निपटना आसान नहीं होता। अरे बहुत काम पड़ा है, 24 घंटे इस मानसिकता के साथ जीना यानी हर समय व्यस्त और चिंतित रहना प्रभावी और फायदेमंद नहीं है। ऐसे में मोदी जी की सलाह है कि एक टाइम टेबल तैयार कर आप निश्चित कर सकते हैं कि दिन भर के 24 घंटे का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए। जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम टेबल 365 दिन काम आता है। समय के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन चाहिए कि चलो ठीक है अब ये आ गया है तो कुछ समय यहां निकाल दूं, लेकिन मैं बाकी समय को एडजस्ट करूं। आपको खुद को लगना चाहिए, वरना अभी मैंने ये काम तय किया मैं ये नहीं करूंगा, अभी मुझे होमवर्क करना है मैं ये नहीं करूंगा। सहज लचीलापन के साथ, एनवायरमेंट के साथ हम कॉन्फ्लिक्ट किए बिना, हम जिस माहौल में जी रहे हैं उस माहौल में मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आए, जीरो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आए, करूं या न करूं के बीच में संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर ये हम साइकी बना करके करते हैं तो आप देखिए कि आपकी दिनचर्या ठीक से चलेगी। टाइम टेबल बन जाने के बाद पूरी दृढ़ता से उस दिनचर्या का पालन करें। जिस काम के लिए जितना समय दिया है उस दौरान मन, शरीर और बुद्धि के सामंजस्य द्वारा पूरी तरह से उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। शुरू में कुछ कठिनाई आ सकती है, लेकिन कुछ ही समय में टाइम टेबल का पालन करना आपके लिए सहज हो जाएगा और ये आसानी से आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। टाइम टेबल के अलावा मोदी जी समय प्रबंधन का एक और तरीका सुझाते हैं, डायरी आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकती है। आइए सुनते हैं मोदी जी का क्या कहना है। कुछ लोग हैं डेली डायरी लिखने की आदत नहीं हो, ऐसे बहुत लोग होंगे, जरूर निकले एक टेम्पररी, आप एक महीने के लिए लिखिए और महीने भर आप अपने लिए, किसी के लिए नहीं और जरा भी छुपाए बिना आप लिखिए। रात को लिखिए कल क्या क्या करना है, वो एक डायरी अलग रखिए, उसको हाथ पर लगाइए, लिख लिया। दूसरे दिन दूसरी डायरी सुबह लीजिए और जैसे जैसे करते जाए लिखते जाइए, फिर रख दीजिए। रात को फिर वो डायरी निकालिए, कल क्या करूंगा लिख दीजिए। महीने भर दोनों डायरियों को अलग रखने दीजिए, एक महीने के बाद दोनों डायरियों को मैच कीजिए और रात को आपने क्या सोचा था, दिन भर क्या किया, आपको देखोगे 80% चीजें आपने वो की होगी जो आपने तय किया था उससे विपरीत होगी। आपको समझ आएगा अरे मैं कैसा हूं, मैं तो बहुत बिजी था। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप ही अपने आप को एकदम से करेक्ट कर सकते हैं। और बड़ा सरल तरीका है,
बड़ा सरल तरीका है, आप कल क्या करना है वो लिख लीजिए और क्या हुआ वो रात को फिर से लिख लीजिए, दोनों डायरी अलग रखिए, दोनों डायरियों को बार बार मत देखिए, एक महीने के बाद ही देखिए, आपके सारे सुधार अपने आप हो जाएंगे। आपके हाथों में जो समय है, टाइम मैनेजमेंट उसे व्यवस्थित और अनुकूलित करता है। साथ ही डायरी बनाए रखने से आप अपनी कमियों को पहचान पाएंगे, समय को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और सही समय पर समय बचाने के कदम उठा पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट की बात तो हो गई, लेकिन समय बर्बाद करने से कैसे बचें? इसका भी उपाय बताते हैं मोदी जी। जहां तक टाइम मैनेजमेंट का सवाल है, आप अगर किसी से समय मांगे और वो ये कहे कि मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास इन दिनों समय नहीं है, तो आप लिख के रखिए, वो झूठ बोलता है। मतलब उसको समय का उपयोग आता नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है अगर आप अपने समय के संबंध में जागरूक हो। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने सचमुच में अपने 24 घंटे की दिनचर्या का एटलीस्ट 1 वीक का एनालिसिस किया होगा, बहुत कम होंगे। आप एक काम करिए, बीते हुए एक सप्ताह में आप सुबह से शाम तक अपना याद करके लिखो समय का क्या उपयोग किया, तो आपको ही पता नहीं होगा कि मैंने ये काम क्यों किया यार, मैं तो बेकार में समय बिगाड़ दिया। देखो मैं तो यहाँ खाली बैठा था, मैं तो ऐसे ही बातें कर रहा था, मैं ऐसे वो चीज को देखता देखा करता था। आप तुरंत सोचेंगे नहीं नहीं ये 6 चीजें कम करूं, ये समय निकलेगा यहां उपयोग करूंगा। टाइम मैनेजमेंट ये हमारे अपने बात अपने हाथ की बात होती है, हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इसके लिए कोई बड़े MBA बहुत बड़ी कोई ऑक्सफोर्ड की किताब पढ़ना कोई जरूरी नहीं है जी। आप सिंपली अपने यहां घर काम के लिए आने वाली महिला को जरा ऑब्जर्व कीजिए। इन दिनों एक ही परिवार में घर काम करने वाली जो लोग होते हैं बहुत कम होते हैं, वे 10-12 घरों में काम लेते हैं और उनको पता होता है कि इनके घर में 7 बजे बर्तन साफ करता है, उनके घर में 9 बजे बर्तन साफ करना होता है, उनके घर में 11 बजे कपड़े धोने होते हैं, उनके घर में 12 बजे किचन में जाना। आप देखेंगे साइकिल होगी, स्कूटी होगी, ट्रैफिक का सारा हिसाब किताब होगा, लेकिन बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट उनका परफेक्ट होगा। वो 3-4 बजे तक जितने परिवारों में सेवा करती हैं या करता है, वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट से करते हैं कि नहीं करते हैं? हमने ऑब्जर्व नहीं किया उसको। यानी जिसने स्कूल देखी नहीं है, क्लास देखा नहीं है, लेकिन उसको भी समझ है कि मेरे समय को मैं ऐसे बांटूं। और आपने देखा होगा किसी घर में अगर नहाने में देर हुई है, कपड़े धोने बाकी हैं, तो कह देती है कि ठीक है रखे रखो, कल साथ में धोऊंगी, आज नहीं धोऊंगी, मेरा समय तय है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया है, यही गड़बड़ है। आप ऑब्जर्व कीजिए, जो सफल लोग होते हैं, जो बिल्कुल हंसते खेलते काम कर रहे हैं, उनको समय का कोई दबाव नहीं होता है। कभी ट्रेन दौड़ पकड़ने के लिए भागते नहीं है, कभी उसको लंच बॉक्स कभी भूल जाते हैं, कभी चश्मा भूल जाते हैं, कभी किताब, कुछ नहीं होता है, सब परफेक्ट चलता है। क्यों? उन्होंने अपने समय की कीमत समझी है। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी हम सुनते आए हैं, लेकिन उसी को सबसे ज्यादा बर्बाद करने का हमारा स्वभाव है। हम तय करें, कुछ रह जाए तो रह जाए, समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। उसी समय में से 24 घंटे मेरे पास भी है, 24 घंटे आपके पास भी है। ईश्वर ने इसमें सामाजिक न्याय व्यवस्था की हुई है, अमीर से अमीर को भी 24 घंटे हैं, गरीब से गरीब को भी 24 घंटे हैं, और इसलिए उसका सर्वाधिक अच्छा उपयोग करने की आदत आसानी से बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही, घड़ी के 24 घंटे तो सबके पास होते हैं, लेकिन एक दिन में प्रभावी समय हर एक के लिए अलग अलग होता है। टाइम मैनेजमेंट अबिलिटी मैनेजमेंट भी है, यानी कि ये अपने अंदर की क्षमताओं को निखार कर जीवन को गढ़ने का एक साधन भी है। टाइम मैनेजमेंट वो तरीका है जिससे हम लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ ही जीवन में संतुष्टि की मिठास भी घोल पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि मोदी जी द्वारा बताए गए इन टाइम मैनेजमेंट टिप्स और मंत्रास को आप जरूर अपनाएंगे और अपनी दिनचर्या पर बेहतर नियंत्रण हासिल करके दिखाएंगे।